हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज सेकेंड, आज एक्सपायरी था बैंक निफ्टी निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। तो आज कैसे उसने बिहेव किया वो आज हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। कल का कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, ये जो थ्री डोजेस थे उसके ऊपर ये कैंडल ने क्लोज है। तो आज एक्सपेक्टेड था कि गैप अप होगा, ये मैंने कल के वीडियोज में एक्सप्लेन किया था, जो लोग ने मिस किया वो लोग देख सकते हो ये गैप अप ओपनिंग का। और फिर मैंने बताया था कि ये एक हर्डल है 10,555, ये एक मेजर हर्डल है, ये ऐसे हमने पहले ही बता दिया था 10,555, ये एक मेजर हर्डल है ये जो हाई था। आज अगर आप देखोगे तो क्या किया उसने, और मैंने बताया था कि हम लोग इसके नजदीक एक रिवर्सल देखेंगे, बट आज पूरे दिन भर में उसने रिवर्सल दिया नहीं। आज देखोगे तो वो कैंडल ने 10,598 का एक हाई बनाया, मॉर्निंग में एक डीप आया था, ऐसे लग रहा था कि भाई वहां से एक हर्डल लेगा। That's why I bought 10,500 का monthly put also at around about 300 or something, but वो अभी 30 points थोड़ा नीचे चल रहा है। monthly expiry लिया क्योंकि मुझे weekly में believe नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये hurdle लेगा compulsory। और आज का closing अगर आप देखोगे, ये सबसे important observation है, ये आपको observe करना पड़ेगा। आज इसने high कितना किया 10,598, but closing कहाँ पे दिया देखो, closing है 10,551, मतलब क्लोज अभी भी मेरे 10,005 जो ये कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था 10,555 उसके बिलो ही क्लोजिंग हुआ ना, मतलब क्लोज अभी भी उसके उसके नीचे ही दिया है 10,551 या 2 दिया, मतलब 3 पॉइंट नीचे। इसके ऊपर अगर आज क्लोज होता तो हम लोग बोलते थे कि भाई चलो एक उसने ब्रेक कर दिया, फिर नेक्स्ट लेवल मेरा 734 हो जाएगा। बट आज जो स्ट्रॉन्ग एक्शन था उसकी वजह से लग रहा है कि कल फिर से एक अप बाउंस एक्सपेक्टेड है, ऐसे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे कहाँ पे तो क्योंकि मुझे एक रिवर्सल साइन की जरूरत है एज पर माय लेवल, तो एक रिवर्सल जोन एक यहाँ पे आ सकता है। वो रिवर्सल जोन के मैं दो वैल्यू बता देता हूँ, एक 10,700 से लेके 10,700 तो एक ज्ञान नंबर, और एक 10,734 मतलब उसको 10,730 हम लोग बोल सकते हैं। ये टू यहाँ के यहाँ पे, ये दो जगह पे अगर कल आना है, कल यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट किया तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, बट अगर एक अपसाइड रैली दे रहा है तो दिस इज अ मैक्सिमम लिमिट कि जो डाउन ट्रेंड है उसका। क्यों मैं ऐसे क्यों बोल सकता हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अगर आप ये वीकली बेसिस पे अगर देखोगे, दिस इज अ वीकली, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया था बरर वीकली बेसिस पे, ये जो लास्ट वीक का कैंडल था, ये देखो लास्ट वीक का कैंडल, ये तो अभी ये वीक का कैंडल बन रहा है ना, ये लास्ट वीक का कैंडल है, देखो लास्ट वीक का हाई कितना 10,553.15 बराबर 10,554 समथिंग है। तो वीकली बेसिस पे अगर ये कैंडल के ऊपर क्लोज होता है तो मैं मानूंगा कि भाई ये ट्रेंड रिवर्सल आ गया, बट ये एग्जैक्टली उसने कितना लिया था 68% का ये हर्डल लिया था बराबर है, कहां पे 0.6 यहां पे ये जो डाउनफॉल हुआ था, ये डाउनफॉल का उसने एग्जैक्टली यहां पे ये रिवर्सल लेके फिर किया, बट आज का रैली ने उसने एक अप ट्रेंड दे दिया। तो ये अप ट्रेंड अभी मैं कहां तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्गली बुलिश नहीं हूं अभी, मेरा व्यू अभी बेरिश ही है, मुझे बेरिश शॉर्ट साइज पे रिवर्सल देखने है। तो वो रिवर्सल क्या होते हैं, रिवर्सल में इन्वर्टेड हैमर होता है या डाइवर्जेंस होते हैं, एंगल्फिंग होता है, बेरिश एंगल्फिंग होता है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। वो पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे लाइव मार्केट में, एटलीस्ट मिनिमम एक 30 मिनट से लेके एक अवरली डेली केस में अगर आपको वो मिलते हैं तो वो अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये है, तो कल हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। एटलीस्ट मेरा मानना रहेगा कि हम लोग कल के लिए मैं तो बुलिश नहीं हूँ, मैं तो बेरिश के लिए वेट करूंगा, मैं बुलिश नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप सब पैरामीटर्स अगर देखोगे, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेलिंग जोन के यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये सेलिंग जोन होता है हमेशा, बट एक सैचुरेशन जोन आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम लगाऊं, तो ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे एक रिवर्सल चाहिए, दैट्स इट। मैं यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम मैंने 30 मिनट्स टाइम फ्रेम बोला है, ओके यहाँ पे अगर मुझे मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर या डाइवर्जेंस अगर ऐसे कुछ मुझे पैटर्न्स मिलते हैं तो कल उसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ 10,700। बट मुझे कंफर्मेशन, मैं अगेन बोलता हूँ, कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। आज भी मैंने एक मेरे क्लाइंट्स को बोल रहा था कि कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे, अदरवाइज
आज जो भी थे पोजिशनल उनको एग्जिट करवाया विद द नॉमिनल 30 पॉइंट्स के लॉस में, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो लॉस हमको मिनिमम लेना और टारगेट, क्योंकि ये जब भी अगर एक कंफर्मेशन आ गया 10,600-700 के यहाँ से या 550 के यहाँ से, तो बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है। कम से कम एक 300 से 500 पॉइंट्स का हम लोग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में, क्योंकि ये डाउन साइड में अगर 300-400 क्रॉस करते हैं क्या, तो डायरेक्टली हम लोग ये ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल है अगर ये रिवर्सल आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो। ये था निफ्टी का एनालिसिस बाय यूजिंग चार्ट। तो कल के लिए भी मैं बेरिश ही हूँ, इज दैट क्लियर, बेरिश हूँ, बट क्या करना है, मैं बुलिश के लिए नहीं खेल सकता, ठीक है। अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में करना है तो आप खेल सकते हो, बट मेरा मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे है 10,730। अगर मॉर्निंग में उसने गैप अप करके, क्योंकि आज का एक्शन स्ट्रांग था, अगर एक मॉर्निंग में गैप अप करके आ रहा तो यहाँ पे आपको एक हर्डल दिखेगा और लेना पड़ेगा आपको एक हर्डल यहाँ पे 10,700। एक स्ट्रॉन्ग गैन लेवल है और 10,730 ये दोनों में से कहाँ पे, तो क्या एक आपको एक हर्डल दिखेगा। आफ्टर दैट अगर हम लोग ओआर डेटा ओरिएंटेड देखते हैं, अभी एक्सपायरी हम लोग नेक्स्ट वीक का देखेंगे 9 जुलाई का, ये एट द मनी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। तो ये एट द मनी में अगर आप देखोगे अभी मार्केट यहाँ पे कहाँ पे तो चल रहा है, यहाँ पे ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे बिल्डअप है वो देखो, ओआई 10,700 के यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑलमोस्ट 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और पुट साइड में कहाँ पे है देखो, पुट साइड में 10,400 के यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी को ये 10,700 क्रॉस करना डिफिकल्ट है, अगर 10,700 कर भी लिया तो 10,800 का एक मेजर हर्डल है जो मुझे नहीं लगता कि कल क्रॉस कर पाएगा। एटलीस्ट एक कल के लिए एनालिसिस है, ये पूरे वीक का एनालिसिस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओनली कल के लिए एनालिसिस आपको ये देखना है कि कल कैसे हो। तो कल ओआर डेटा ओरिएंटेड 10,700 में आपको एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पे 10,700 के बाद एक 10,800 है और यहाँ पे 10,400। तो ये था बाय यूजिंग ओआर डेटा। सेम एज हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का भी वीकली है, जैसे वहां पे वीकली में 0.68 के यहाँ पे लिया था, वैसे यहाँ पे उसने हर्डल 0.38 के यहाँ पे लिया, देखो वीकली में एग्जैक्टली ओके, यहाँ से ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे डब्ल्यू शेप दिख रहा है सबको, ये डब्ल्यू शेप है, एक डब्ल्यू शेप का डबल बॉटम लिया था, वो एग्जैक्टली टारगेट मिट हो गया। तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, वो क्लोजिंग कभी है वो भी मैंने आपको बताया था, तो बैंक निफ्टी भी बेरिश ही है, कभी अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो बुलिश हम लोग देख सकते हैं। ये जो एंगल्फिंग बना था उसका लेवल है, इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो कितना है 22,479, बट मैं उसको 22,500 ही बोलूंगा, बैंक निफ्टी में 20-30 पॉइंट्स नथिंग होते, तो ये 22,500 के ऊपर अगर मुझे क्लोजिंग मिलेगा, क्योंकि ये डेली बेसिस में मैं देख रहा हूँ ना, अगर डेली बेसिस में अगर मैं कैंडल देखूंगा क्लोजिंग, तो मैं एक बोल सकता हूँ एक नेक्स्ट टारगेट मेरा 24,000 तक आ सकता है, बट आज भी दिया नहीं उसने, आज भी क्या किया देखो, एक बैंक निफ्टी आज आज अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग नेगेटिव हुआ है ओके, एज कंपेयर टू निफ्टी। मतलब एक स्टेज ऐसा था कि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स नेगेटिव था और निफ्टी मेरा 150 पॉइंट पॉजिटिव, एक ऐसा स्टेज भी था मार्केट में, क्योंकि सारे बैंक्स वीक थे एज कम्पेयर टू निफ्टी के बुलिश स्टॉक्स, अगर रिलायंस वगैरह दो तीन सिलेक्टेड स्टॉक्स छोड़ेंगे तो बैंक निफ्टी में पूरा वीकनेस था आज। तो वीकनेस आज दिख रहा था चार्ट में, देखो उसने ओपनिंग में किया अच्छा, अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, बट क्लोजिंग में क्या किया देखो उसने, लो मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दिए, 21,953 पे दिए ओके, मतलब जहां से ओपन हुआ था, ओपन कहाँ पे हुआ था देखो 22,000 उसके नीचे, इसके लिए रेड कैंडल प्रिंट हुआ और वहां पे ग्रीन कैंडल प्रिंट हुआ। अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे 15 मिनट्स में, तो आपको ये रैली समझेगी, ये देखो बहुत वोलाटाइल था आज, ये गैप अप किया फिर नीचे आया, फिर से अप गया फिर से डाउन है, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं था ना एग्जैक्टली। तो कल भी हम लोग निफ्टी से ही देखेंगे, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक हो चुका है, ये एक मेजर हर्डल है ठीक है। उसके बाद में एक 22,500 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो रहा है तो हम लोग बुलिश मांगे करें कर सकते हैं, क्योंकि ये हर्डल उसने 2-3 टाइम्स लिया, ये तो मैंने 15 मिनट्स का किया, आप इसको अवरली में देखोगे तो आपको एक क्लियरली पता चलेगा, देखो ये 1-2 यहाँ पे ट्राई किया 4 और ये 5, ये मेजर हर्डल है ठीक है।
तो कल भी हम लोग बैंक निफ्टी में क्या बेरिश व्यू एक रखेंगे कि मुझे एक रिवर्सल साइन चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग एक रिवर्सल देखेंगे। अगर क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, सिर्फ निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे कहाँ पे तो आपको एक रिवर्सल हर्डल दिख रहा है, तो आप वहां पे आप एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो, जैसे हमने निफ्टी में 10,700 बोला। अगेन फ्रेंड्स, ये पूरा जो एनालिसिस है ये एजुकेशनल पर्पज है। आप एंट्री एग्जिट लेते टाइम आपके जो भी कुछ प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे, ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप एंट्री लेते टाइम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप जब भी ट्रेड करोगे तो एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ करो, एक अजम्पशंस मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत जन ने पुट लिए मेरा देखते हुए वीकली एक्सपायरी के आज के लिए, नहीं वैसे मत करो। आपके पास अगर नॉलेज नहीं तो, क्योंकि वो पुट कौन से एक्सपायरी का लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, कौन सा फैक्टर होगा वहाँ पे, डेल्टा फैक्टर कितना इफेक्ट करेगा, वो सब कैलकुलेशंस देखना पड़ता है फ्रेंड्स। अदरवाइज आपको नहीं समझ में तो आप वीकली एट द मनी ले लो, जैसे मैंने किया, ठीक है भाई। चलो मुझे उतना नहीं समझता, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कैलकुलेशंस का, तो वीकली का मंथली ले लो आप, मतलब वीकली इंस्टेड ऑफ वीकली, तो आपका जो टाइम इरोजन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा जितना वीकली में होगा। तो बहुत जन ने आज जितना 10,500 वगैरह पुट लिया था उनका तो आज ऑलमोस्ट जीरो हो गया। लेटर से ये सेकंड का अगर मैं बताऊं, आज बहुत जन ने मुझे मैसेज किया था, कई जन ने तो आज 10,000 का भी पुट लिया था। कोई मेरे दो तीन क्लाइंट्स ही है उन्होंने, कि जिनको ऑप्शंस का पता नहीं है तो कैसे ले सकते 10,000 का। ये देखो ना, आज 10,600 के बाद जितने भी पुट्स थे वो जीरो, सब जीरो हो गए, आउट ऑफ द मनी पुट्स है। ये पुट्स है ना आउट ऑफ द मनी, सेम एज आउट ऑफ द मनी कॉल है, वो सारे जीरो हो गए। तो जिन्होंने ये जितने भी पुट्स लिए रहेंगे, कितने में भी लिया रहेगा, वो सबका वैल्यू जीरो हो गया, और ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। इज दैट क्लियर? कॉल सेंटर, तो कॉल तो आज बहुत जने लिए नहीं, पुट ही लिए थे, तो पुट वो ऑलमोस्ट सारे जीरो हो गए। तो जिनको वीकली एक्सपायरी में इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो लोग मंथली ले सकते। फ्रेंड्स, ये वीडियो बार बार देखा करो आप, ये सब ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करो, उसका बेनिफिट्स होगा। बहुत जन ऐसे ही वीडियो देखते हैं टाइम पास के लिए और छोड़ देते हैं, उनके लिए फिर ये बेनिफिट्स नहीं होगा। ये जो लेवल में मार्क करता हूँ, आपको एनालिसिस बताता हूँ, वो अगर नोट डाउन करेगा, फिर से जाके उसको ट्रेड देखोगे आपके चार्ट्स में, तो ये एजुकेशन पर्पज, जो इंस्टेंट मतलब जो पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो पर्पज सफल हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वीडियो के बाद अगर एक जन को भी ये प्रॉपर टेक्निकल अगर सीखने आ गया, तो भी मैं बोलूंगा कि जो मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ उसका आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूले, आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।